Hare Krishna, on behalf of Swam Dwarka, we would like to welcome His Grace Rukmini Krishna. Murli. Murli Krishna. Murli Krishna. Very good. So Murli Krishna has taken the responsibility of our Swam Panjaiwa. Or एक समय मैं बोला था कि बोली सुधर मैंने बोला भक्ति में वहाँ महाराज महाराज मजाए बाग टेम्पल इज बेस्ट एंड डेली हमारे दिल्ली में से बेहतरीन मंदिर है महाराज का गांव इट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड डेली वो बेस्ट मंदिर होता है बेस्ट डिमोटी से और आज सारी सेना ने स्वामी मजाए बाग की सेना का जितने तो करना है इसलिए सोनी कृष्ण डेली वो हरे कृष्णा अर्थात बहुत ही दिव्य महोत्सव है श्री हरिदास ठाकुर का तिरुभाव तिथि है आज और बहुत ही दिव्य प्रसंग है ये तो मोगलबों का और सभी द्वारका जोड़ से बहुत धन्यवाद इस सेवा देने के लिए जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय इस्कॉन संस्थापक आचार्य बीबीटी संस्थापक आचार्य श्री व्रत होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सर्व ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री जगन्नाथ द्वारकापुरी धाम की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय नवद्वीप मायापुर धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय श्री गौर निताय की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री 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 हरिदास ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोर्स एंड मल्टीवर्स हरे कृष्ण ऑल ग्लोर्स एंड मल्टीवर्स हरे कृष्ण ऑल ग्लोर्स एंड मल्टीवर्स हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत पाठ अध्याय 11 हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण। तो ये जो श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय का प्रथम श्लोक जो है हरिदास ठाकुर को प्रणाम कर रहे हैं। नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं च तत्प्रभुं संस्थितामपि यन्मूर्तिं स्वांके कृत्वा ननर्तयः। नमामि हरिदासं तं चैतन्यं च तत्प्रभुं। मैं श्री हरिदास ठाकुर को और उनके स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। संस्थिताम अपि यन मूर्तिम, जिन्होंने हरिदास ठाकुर की मूर्ति यानी उनके शरीर को, मतलब मृत शरीर तो नहीं कहना चाहिए लेकिन देह त्याग करने के बाद शरीर को, संस्थिताम अपि जो है उनके देह को, मृत देह को रख करके, संस्थिताम मतलब मृत, स्वा अंके अपनी गोद में या अपने हाथ में रख करके, कृत्वा रख कर, और ननर्त यह, जिन्होंने नृत्य किया। तो ये श्लोक का अनुवाद है, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सह गणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। तो ये बहुत ही दिव्य इस समय समय चल रहा है। पहले जीव गोस्वामी का आविर्भाव दिवस था, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, ऑफकोर्स वामन देव जी का भी, और आज हरिदास ठाकुर का तिरुभाव महोत्सव है, और कल है विश्वरूप महोत्सव, और भद्र पूर्णिमा जिस दिन शिला प्रभुपाद ने भी संन्यास ग्रहण किया था, और विश्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे उन्होंने भी आज के दिन संन्यास ग्रहण किया। कुछ लोगों का मत है कि उनका जन्म, संन्यास और आज के दिन तिरुभाव भी, मतलब विश्वरूप महोत्सव तिरुभाव हुआ। भाल हैला विश्वरूप संन्यास करिला पितृकुल मातृकुल दुई उद्धारिला, कि संन्यास लेकर के उन्होंने अपने माता और पिता दोनों के कुल का उद्धार किया। तो देखा जाए तो बहुत दिव्य समय, सभी आचार्यों का एक के बाद एक कोई ना कोई उत्सव है। तो आज भी बहुत ही विशेष उत्सव है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का आज तिरुभाव दिवस है। इसको विजय उत्सव भी कहा जाता है, अंत में कविराज गोस्वामी वर्णन करेंगे विजय उत्सव। तो हरिदास ठाकुर के विषय में चैतन्य भागवत में एक पूरा अध्याय है, बहुत बड़ा, हरिदास ठाकुर की महिमा का गुणगान
और चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के आई थिंक अध्याय दो है तीन अध्याय दो या तीन में, उसमें भी हरिदास ठाकुर का पूरा चैप्टर द ग्लोरीज ऑफ हरिदास ठाकुर, और एक और चैप्टर यहाँ डेडिकेटेड अंत्य लीला का अध्याय 11 हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण, किस प्रकार उन्होंने देह त्याग किया। और वैष्णवों के लिए आविर्भाव और तिरुभाव, बर्थडे और मतलब जिस दिन वो शरीर तिरुभाव दिवस, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही दिव्य हैं, और उनके दिन वैष्णव बहुत कृपालु रहते हैं। और क्योंकि वैष्णवों का नॉर्मली किसी का तिरुभाव होता है या अप्रकट होते हैं या मृत्यु होती है तो लोग उस दिन शोक मनाते हैं, लेकिन वैष्णवों का क्योंकि वो जीवित रहते भगवान की सेवा करते हैं और शरीर छोड़ने के बाद कृष्ण के शाश्वत सेवा प्रवेश करते हैं, तो दोनों ही उत्सव हैं। और किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के उत्सव को मनाया, किस प्रकार से दस और शरीर छोड़ा, ये कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं अंत लीला अध्याय 11 के अंदर। और कई साल पहले हमने पंजाबी विभाग के अंदर जब मतलब फर्स्ट टाइम ब्रह्मचर्य आश्रम ऐसा फर्स्ट टाइम का जब बिल्डिंग खरीदा था एक दूसरा, उसका सेकंड फ्लोर को आश्रम बनाया था, तो हमने ऐसा मीटिंग किया भक्तों के साथ में कि कौन से यहाँ फोटोज लगाने चाहिए आश्रम के अंदर, है ना। तो एक हमने लगाया छड़ गोस्वामी का, ऐच गोसाई करी चरण वंदन जहाँ इत विघ्न अभीष्ट पूरन। एक फोटो लगाया भीष्म देव के देह त्याग का, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं उनके देह त्याग के समय थे। और जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसने जन्म लिया मृत्यु तो उसको आनी ही है, तो हमको रिमाइंड होना चाहिए कि मृत्यु की प्रिपरेशन करनी है हमको, अंते नारायण स्मृति ही। और तीसरा हमने फोटो लगाया था हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण का, चैतन्य महाप्रभु का। तो ऐसे हमने कुछ थीम सोच करके आश्रम के मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस में, ताकि रोज याद रहे अपने को कि अपना लक्ष्य क्या है और हमारे आइडियल्स कौन है, रोल मॉडल्स कौन है जिनको हमने अपने जीवन में अनुकूल करना है। तो एनीवे, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के अंदर निवास कर रहे थे और प्रत्येक दिन और रात प्रत्येक दिन संकीर्तन का आनंद लिया करते थे। और दिन में महाप्रभु नृत्य करते थे, कीर्तन करते, जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करते थे और भक्तों के साथ आदान प्रदान करते थे। प्रत्येक दिन सुबह उपलभोग के समय महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे और जगन्नाथ का महाप्रसाद लेकर के कहाँ आते थे, सिद्ध बकुल जहाँ हरिदास ठाकुर रहते थे, और उनको वो महाप्रसाद देते थे। क्योंकि हरिदास ठाकुर भौतिक दृष्टि से यवन या खानदान में मुसलमान घर में पैदा हुए थे, और जगन्नाथ मंदिर की ऐसी रीति थी कि नॉन हिंदूज वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। तो हरिदास ठाकुर हालांकि वो तो परमहंस हैं, महाभागवत हैं, इस देहात्म बुद्धि की उपाधियों से परे हैं, फिर भी अपनी नम्रता के कारण वो कभी भी मंदिर में नहीं जाते थे। वहीं सिद्ध बकुल पे जगन्नाथ जी के मंदिर का चक्र का दर्शन करके और हरे निरंतर जप किया करते थे, और स्वयं जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनको स्वयं अपना प्रसाद देने आया करते थे प्रत्येक दिन। तो और श्री चैतन्य महाप्रभु रात में क्या करते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के साथ गंभीरा के अंदर श्री कृष्ण लीलाओं के दिव्य रस का अमृत आस्वादन किया करते थे, यानी जो राधा रानी के महाभाव का उत्तरोत्तर आस्वादन वो किया करते थे प्रत्येक दिन। स्वरूप गोसाई आर रामानंद राय रात्रि दिन करे देहो दोहे प्रभु र सहाय, महाप्रभु की लीलाओं के प्रमुख सहायक स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय दिन रात महाप्रभु के साथ रहते। तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु गोविंद जो महाप्रभु के सर्वेंट थे वो हरिदास ठाकुर के लिए, जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बल्ल सुभद्रा रामानंद श्री गौणिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो जो उनके पर्सनल सर्वेंट थे, निजी सेवक थे गोविंद, जगन्नाथ का प्रसाद देने के लिए हरिदास ठाकुर के पास आए। तो महाप्रभु नहीं आएंगे तो प्रसाद भिजवा दिया, और जब वहां पहुंचे तो क्या देखा उन्होंने, देखे हरिदास ठाकुर कोरिया छे शयन मंद मंद कोरिते छे संख्या संकीर्तन, तो देखा कि हरिदास ठाकुर ऐसे पीठ के बल लेटे हुए हैं और धीरे धीरे जप कर रहे हैं। गोविंद कहे उठ आसी करह भोजन, हरिदास कहे आज करी मूलंघन, संख्या कीर्तन पूरे नाही के मत खाइबा, महाप्रसाद आनी आछे के मत उपेक्षिबा। तो गोविंद ने कहा कि महाप्रसाद ग्रहण कीजिए आप। हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं, आज मैं उपवास रखूंगा, फास्टिंग करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना जप पूर्ण नहीं किया है तो फिर मैं कैसे खा सकता हूँ, है ना। क्योंकि अब उनका नियम था कि बिना चैंटिंग खत्म किए, मतलब खत्म नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो भी चैंटिंग किए
अपने राउंड्स प्रिस्क्राइब नंबर राउंड्स पूरे किए बिना वो नहीं खाते थे। हमारे कई भक्त हैं ऐसे जिन्होंने ऐसा नियम बांध रखा है कि है ना, तो कई बार दुविधाएं फंस जाते हैं जब सुबह कोई सेवा आ जाए तो कैसे मैनेज किया जाए, है ना। तो एनीवे नियम तो बहुत अच्छा है, पर अगेन जहां पे प्रैक्टिकलिटी हो तो उसको बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन फिर हरिदास ठाकुर को एक और दुविधा थी, आप तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लाए हो और महाप्रसाद का अनादर भी नहीं करना चाहिए, तो अब क्या किया जाए, खा भी नहीं सकता और नहीं खाए भी नहीं रह सकता। तो उन्होंने क्या किया, एतबली महाप्रसाद कोरिला वंदना एक रंच लैया तार कोरिला भक्षण। तो एतबली महाप्रसाद कोरिला वंदन, उन्होंने महाप्रसाद को नमस्कार किया, उसकी वंदना की और थोड़ा सा उसमें से रंच भर लेकर ग्रहण कर लिया। अब प्रभुपाद जो है इस पूरे अध्याय के अंदर चार पांच छह ही तात्पर्य दिए, ज्यादा तात्पर्य नहीं दिए उन्होंने। और नॉर्मली अंत्य लीला के अंदर इवन मध्य लीला में कुछ जगहों पर, पूरे चैतन्य चरिता में आदि लीला में बहुत सारे तात्पर्य दिए, मध्य लीला में बहुत कम दिए और अंत्य लीला में बहुत ही कम दिए प्रभुपाद ने। जहां पे लीला थी वहां प्रभुपाद ने उन्हें तात्पर्य नहीं दिए, जहां फिलोसॉफी आएगी वहां प्रभुपाद ने मतलब बहुत बड़े बड़े तात्पर्य दिए हैं। और विशेषकर मध्य लीला में जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में बौद्ध लोगों से मिलेंगे तो पूरा बौद्ध का जो नव मत नाइन्स उनके जो पॉइंट्स हैं फिलोसॉफी के, एक एक पॉइंट को प्रभुपाद डिस्क्राइब करते हैं, एक एक पॉइंट को खंडन करते हैं, तो कम से कम 8-10 पेज का तात्पर्य होगा कम से कम, ऐसा पूरा बुद्धिस्ट फिलोसॉफी उसमें समराइज किया है प्रभुपाद ने। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं प्रभुपाद की, महाप्रसाद कृष्ण से अभिन्न होता है इसीलिए महाप्रसाद को खाने के स्थान पर उसका सम्मान करना चाहिए। वी शुड नॉट ईट महाप्रसाद, वी शुड ऑनर महाप्रसाद। इसीलिए यहाँ कहा गया है कोरिला बंधन, और महाप्रसाद ग्रहण करते समय उसे सामान्य भोजन नहीं मानना चाहिए। प्रसाद का अर्थ है कृपा, कि ऐसा नहीं कि वो सामान्य भोजन है। कृष्ण बड़ा दयामय करिवारे जीवा जय स्व प्रसाद अन्न दिल भाई सही अन्ना अमृत पाओ, है ना, और खा के सो जाओ वो नहीं, राधा कृष्ण गुण गाओ उसके बाद में, है ना। तो इसीलिए सामान्य भोजन कभी महाप्रसाद के तुल्य नहीं समझना चाहिए। और फिर चैतन्य महाप्रभु, तो महाप्रभु को संदेश मिला कि ऐसे हरिदास ठाकुर उपवास कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के स्थान पर गए और उनसे पूछा, आर दिन महाप्रभु तार ठाई आईला सुस्त हो हरिदास बलिदार पूछिला, तुम ठीक तो हो। तो नमस्कार करिते हो कैला निवेदन शरीर सुस्त है मोर असुस्त बुद्धि मन। तो हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को नमस्कार किया, बोला शरीर तो सब ठीक है बस बुद्धि और मन क्या है अस्वस्थ है, वो ठीक नहीं है। तो महाप्रभु ने बोला क्या बीमारी है, क्या व्याधि है तुम्हें? तो वो क्या कह रहे हैं, संख्या कीर्तन ना पूरा है, कि मैं जो हूँ मेरा रोग एक ही है कि मैं अपनी जप संख्या पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभुपाद यहाँ पे एक दूसरा तात्पर्य दे रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पॉइंट हैं। यदि कोई जप की निर्धारित संख्या पूरी नहीं कर पाता तो उसे आध्यात्मिक जीवन की रुग्ण अवस्था में समझना चाहिए, है ना। यदि कोई माला पूरी नहीं कर पा रहा है, क्यों लटक रही है उसकी माला, पेंटिंग होती जा रही है कुछ भी ऐसा, तो समझना चाहिए कि ही स्पिरिचुअली सिक, वो आध्यात्मिक रूप से बीमार है, है ना। तो इसीलिए निसंदेह हम हरिदास ठाकुर नकल नहीं कर सकते, किंतु हर व्यक्ति को निश्चित संख्या में नाम जप करना चाहिए। और इसमें दो लाइन प्रभुपाद ने और दिया है, पहला, हमने 16 माला का न्यूनतम नाम जप निर्धारित किया है इस कृष्णवाद आंदोलन में, जिससे पाश्चात्य वासी अपने आप को बोझिल अनुभव ना करें। ना वेस्टर्न कंट्रीज पीपल अपने आप को दे शुड नॉट फील बर्डनड, है ना, बट अगर भारतवासी हैं तो शायद ज्यादा भी कर सकते हैं और प्रयास करना चाहिए। और प्रभुपाद जी एक और बात कह रहे हैं, इन 16 मालाओं का जप तो करना ही चाहिए और वह भी उच्च स्वर से, जिससे जप करता स्वयं सुन सके और अन्य लोग भी सुने, है ना। मतलब जप कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि मन ही मन में बोल रहे हैं, ऑफकोर्स कुछ भक्त नहीं बोल पाते वो एक अलग बात है, बट इन जनरल ऑडिबल एनफ तो होना चाहिए, लाउड एनफ कि व्यक्ति खुद सुन सके, प्रभुपाद क्लियर लिख रहे हैं, जब स्वयं सुन सके और दूसरे व्यक्ति सुन सके। ऑफकोर्स मॉर्निंग में जप हॉल के समय ध्यान रख सकते हैं, पता लगे कि भक्तों को डिस्टर्ब ना हो, इतना भी ऊंचा ना हो, बट इन जनरल द प्रभुपाद पॉइंट इज कि दूसरों का भी उद्धार हो सके। तो एक बार हम इधर गोपाल कृष्ण महाराज के साथ में वॉक कर रहे थे, तो वहाँ एक पार्क है पंजाबी बाग में, तो वहाँ महाराज एक ही पर्टिकुलर ट्रैक पे बार बार घूम रहे थे, और कई साल पहले की बात है, मैं भी नया मतलब ऐसे इतना वॉक पे तब इतना मतलब डर लगता था थोड़ा। तो फिर महाराज ने कहा कैसे रूट चेंज कर लिया, एक बार ट्रैक चेंज कर लिया। तो मैंने सोच रहा था कि शायद ना महाराज ने गलती से ट्रैक चेंज कर लिया,
ऐसे मन में, तो बोला तो कुछ नहीं कि अगले ट्रैक पे जाना है। तो महाराज कहते, फिर महाराज शायद समझ गए कि या तो मेरी बॉडी लैंग्वेज से या यू नो कैसे भी करके ही अंडरस्टूड, मैं मन को समझ लिया। तो महाराज कह रहे, नाउ वी विल वॉक इन दिस एंड चैंट फॉर दीज ट्रीज, यू हैव चैंटेड फॉर ट्रीज ऑन द अदर ट्रैक, यू नो। कह रहे कि हमने उस ट्रैक पे तो सब पेड़ों के लिए और उसके लिए जप किया है, अभी इस ट्रैक वाले पेड़ों के लिए जप करेंगे, यू नो। नहीं ना, तो एनी हाउ तो ये सर्वोट आया था, ऐसे एक बात आ रहा है। तो महाप्रभु ने कहा, अब तुम वृद्ध हो गए हो, अतः नित्य जप किए जाने की नाम संख्या घटा सकते हो। तुम तो पहले से मुक्त हो, सिद्ध देह तुम्हें साधने आग्रह केने कर, अतः तुम्हें कठोरता से नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा पॉइंट प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, जब तक कोई रागानुगा प्रेम के पद तक ना पहुंच जाए तब तक विधि विधानों का पालन करना चाहिए, मतलब जो भक्ति के नियम है हमें इसके साथ प्ले अराउंड नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद जी जब रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं मध्य लीला के 19 अध्याय में, तो बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, द सो कॉल्ड मैच्योर डिवोटी, है ना, वो मैच्योर डिवोटी नहीं है, सो कॉल्ड मैच्योर डिवोटी, मतलब तथा कथित परिपक्व भक्त, जो मैच्योर नहीं लगे अपने आप को मैच्योर समझता है, तो उसे लग सकता है कि मुझे इन साधना भक्ति के नीति नियमों का पालन करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, अब तो मैं एडवांस हो गया हूँ, अब तो मैं मंगल आरती में लेट आ सकता हूँ या एबसेंट हो सकता हूँ, या जप में असावधानीपूर्वक जप कर सकता हूँ, या भागवतम क्लास में आने की जरूरत नहीं है, या पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, श्रवण कीर्तन तो नौसिखिए भक्तों के लिए है और मैं उन्नत हो गया हूँ। तो सो कॉल्ड एडवांस डिवोटी, जब ये सारे प्रसंग आते हैं कि माली हैया से ही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कर ये सेचन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम साधना भक्ति के नियमों को ऐसा मतलब गंभीरता से लें, उनको चीपली ना लें। इस बात को प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, संख्या पूर्वक नाम गान अति भी काला वसाने कृतम। तो हरिदास ठाकुर का जीवंत प्रमाण है, और एक उदाहरण प्रभुपाद कोट कर रहे हैं किसका, रघुनाथ दास गोस्वामी का, है ना, कि किस प्रकार वो जप किया करते थे और अनेक बार भगवान को नमस्कार करने का भी व्रत ले रखा था। लोक निस्तारित यही तो हमारा अवतार नामे र महिमा लोके कोरिला प्रचार। और महाप्रभु ने उनको बोला कि देखो इस जगत में तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ था, सामान्य लोगों का उद्धार करने के लिए, और तुमने जगत में पवित्र नाम की महिमा का पर्याप्त प्रचार किया है। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अवतार वर्ड लिखा है, तो महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, क्या है, अवतार हुआ लोगों का उद्धार करने के लिए। और ये बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं। तो महाप्रभु ने अंत में कहा, अब हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र की जप संख्या को कम करो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, सुन मोर सत्य निवेदन, आप मेरे वास्तविक निवेदन को सुने। और ये जो उनका निवेदन है, आप देखिए हरिदास ठाकुर की जब भी कहीं पर भी उनका प्रसंग आता है तो ये जो वर्ड्स हैं ये लगभग रिपीटेड होंगे कि हरिदास ठाकुर की मनोभावना क्या थी। वे नामाचार्य हैं, सदैव नाम का जप करते हैं, तो त्रिनादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनी सदाहरि, उसके मूर्तिमान स्वरूप है हरिदास ठाकुर। तो यहाँ पे अगले 3-4 वर्ष के अंदर जो वो बोलेंगे वो सत्य घटना है, सत्य उनके मन के विचार हैं, वो अपने हृदय में अपने आप को कैसे उनके हृदय में अपने लिए उनके क्या विचार थे, है ना। ही न जाति जन्म मोर निंद्य कलेवर, ही न कर्म रत मुई अधम पावर, अदृश्य अस्पृश्य मोरे अंगीकार कैला, रौरव हित काड़ी मोरे वैकुंठ चढ़ाईला। तो कह रहे हैं आगे भी है, स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही हो इच्छा माया, जगत नाचाओ जारे जय छे इच्छा है, अनेक नाचाईला मोरे प्रसाद करिया, विप्रेर श्राद्ध पात्र खाइनु म्लेच्छ हैया। मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ, मेरा शरीर अत्यंत गर्हित है, मैं सदैव निम्न कार्यों में लगा रहा हूँ, इसलिए मैं सबसे नीच और गर्हित व्यक्ति हूँ, मैं देखने योग्य तथा अछूत हूँ, किंतु आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है, इसका अर्थ हुआ कि आपने मुझे नारकीय स्थिति से उद्धार किया और वैकुंठ पद पर पहुंचाया है। हे प्रभु, आप पूर्णतः स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार सारे जगत को नचाते हैं तथा काम में लगाते हैं। हे प्रभु, अपनी कृपा से आपने मुझे नाना प्रकार से नचाया है, उदाहरणार्थ मुझे श्राद्ध पात्र दिलाया जो कि उत्तम ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए था, मैंने उसमें भोजन किया, यद्यपि मेरा जन्म मांसाहारियों के कुल में हुआ था।
तो हरिदास ठाकुर सदैव अपने आप को बहुत ही निम्न मानते थे, अयोग्य मानते थे, बहुत ही पतित और अधम माना करते थे। कभी भी उनको ये गर्व नहीं हुआ, देखो महाप्रभु तो रोज मेरे लिए भोजन लाते हैं, है ना, महाप्रभु ने मुझे श्राद्ध पात्र खिलाया, या मैं जिस कुटिया में रहता था फुलिया में, वहां से सांप भाग गया, है ना। तो ऐसा उनको कभी भी ऐसा किसी बात का मतलब अहंकार नहीं था ना, और हमेशा अपनी जो वीकनेस थी, वो मतलब एक्सटर्नल वीकनेस ही है उनकी, हमेशा उसको लाइमलाइट करते थे कि मेरे अंदर क्या डिसक्वालिफिकेशन है, मैं कैसे, क्योंकि भगवान की सेवा करना आध्यात्मिक विषय है, इसके लिए भौतिक योग्यता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, है ना। भगवान भावग्राही जनार्दन है, भगवान हमारे क्वालिफिकेशन ग्राही जनार्दन नहीं है। तो जो सौभाग्यशाली व्यक्ति है उसी को केवल कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जिसके पास आध्यात्मिक सौभाग्य नहीं है, कृपा नहीं है, वो भगवान की सेवा करना उसके लिए संभव नहीं है। तो हरिदास ठाकुर इस बात को हमेशा याद रखते थे, और शायद यही उनके निरंतर नाम जप करने की योग्यता थी। तो फिर वो एक निवेदन कर रहे हैं महाप्रभु से। महाप्रभु से क्या निवेदन कर रहे हैं कि मेरी एक इच्छा बहुत दिन से है, वो इच्छा ये है कि आप मेरे विचार से आप अत्यंत शीघ्र इस भौतिक जगत से अपनी लीला समाप्त कर देंगे, कि महाप्रभु थोड़े समय के अंदर में अपनी इस प्रकट लीला को समाप्त कर देंगे। तो वो कह रहे हैं हरिदास ठाकुर कि आपकी लीला का जो अंतिम जो पार्ट है, यानी जब आप लीला को एंड करेंगे, मैं उसे नहीं देख पाऊंगा, सहन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसे देखना नहीं चाहता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि वो समय आए, मेरा शरीर आपके सामने जो है धराशायी हो जाए। से ई लीला प्रभु मोरे कभू न देखाई बा, आपनार आगे मोर शरीर पाड़ी बा, कि जब तक आप है आपके सामने मैं शरीर छोड़ दू, रादर देन कि आप अपनी लीला को अप्रकट करें। हृदय धरी मु तोमार कमल चरण, नयन देखी बु तोमार चांद बदन, जिभाय उच्चारी मु तोमार कृष्ण चैतन्य नाम, एई मत मोर इच्छा छाड़ी मु पराण, मोर एई इच्छा जदि तोमार प्रसाद है, एई निवेदन मोर करो दया मया। मैं आपके कमल व चरणों को अपने हृदय में धारण करना चाहता हूँ, और आपके चंद्रमा सदृश मुख मंडल का दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीभ से आपका श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करूं। कृपया मुझे इस तरह से अपना शरीर छोड़ने दें। हे अत्यंत दयालु प्रभु, यदि आपकी कृपा से ऐसा हो सके तो कृपा मेरी इच्छा पूरी करें, इस नीच देह को अपने सामने गिरने दें, आप मेरी सारी इच्छाओं की पूर्णता को संभव बना सकते हैं। तो ये उनकी इच्छा थी, ये नहीं थी कि मैं स्वस्थ हो जाऊं या कुछ करूं, लेकिन ये थी कि मैं आपके सामने इस हृदय को अपने शरीर को छोड़ूं। तो मैंने सुना था, भक्तों से पढ़ा तो नहीं है, कि ऐसी कुछ चर्चा जयानंद प्रभु की भी थी। नाउ आई डोंट नो कि कितना सही है, या किसी का एक्स्ट्रापोलेशन है, या अपनी उनकी भावनाएं होंगी, लेकिन फिर भी ये भी एक भावना है भक्तों की कि जो उनके ऑब्जेक्ट ऑफ लव हैं, जिनसे वे प्रेम करते हैं, तो उनसे विरह या उनके अप्राकट्य को सहन नहीं कर सकते, है ना। ऑफ कोर्स सर्विस इन सेपरेशन इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट, है ना। और तो दोनों प्रकार के भाव हम भक्तों में देखते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर का ये भाव है, और दूसरा भाव है जैसे गोस्वामियों का है, या अन्य की, जब गुरु का या आचार्य का या भगवान का तिरुभाव मतलब अप्रकट्य होगा, तो उसके बाद में उनके मिशन को कंटिन्यू करना, उनके सेवा कंटिन्यू करना, और दोनों ही भाव अपने अपने आप में सही है। मतलब अगर हम उसमें ऐसे कैलकुलेशन करेंगे कि इनका भाव ऊंचा है, इनका भाव नीचा है, इनको ज्यादा प्रेम है, इनको कम प्रेम है, बस प्रेम की अभिव्यक्ति जो है, प्रेम का मैनिफेस्टेशन है, वो अलग अलग प्रकार से वो कर रहे हैं, और दोनों सही हो सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में कभी एक बात सही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अन्य सारे भाव या अन्य सारी बात या अन्य सारे दृष्टिकोण गलत होने हैं। तो इस प्रकार से उनका यह भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कृपा मैं तहा अवश्य करीबे, यदि कृष्ण कृपा, कृष्ण ने दयामय है कि तुम जो भी चाहते हो उसे वे अवश्य पूरा करेंगे, वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। महाप्रभु ने नहीं बोला तथास्तु, है ना, बोले कृष्ण विल डू इट, क्योंकि अपने आप को सदैव भक्त के रूप में ही दिखा रहे हैं महाप्रभु। किंतु आमार ये किछु सुख सब तो मालैया, तुम्हार योग्य नहे जब आमारे छाड़िया। लेकिन महाप्रभु फिर भी देखिये भक्तों से बड़ा इमोशनल डीलिंग कर रहे हैं, वहां पे बड़ा प्रेम के साथ में कह रहे हैं,
लेकिन मेरा भी जो सुख है वो तुम्हारी संगति के कारण है, तो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है कि तुम चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ जाओ, तो मेरे साथ ही रहो। कहने का मतलब यह है कि आप रहिए। तो हरिदास ठाकुर तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और बोलिए, हे प्रभु आप मेरे लिए ये माया ना उत्पन्न करें, यद्यपि मैं ये अत्यंत पतित हूं किंतु आप मुझ पर यह दया अवश्य दिखलाएं। और अब हरिदास ठाकुर की एक और नम्रता का सूचक हो रहा है आगे जो शब्द बोलेंगे महाप्रभु को, वो मोर शिरोमणि कत कत महाशय तुम्हार लीलाय सहाय कोटि भक्त हया हया आमा है न जदि एक कीटक मरी गेला एक पिपीलिका मैले पृथ्वी र कहा हानि हैला भक्त भकत वत्सल प्रभु तुमि मुई भक्ता भाषा अवश्य पुराबे प्रभु मोर एई आशा। उन्होंने बोला प्रभु ऐसे अनेक सम्मानित व्यक्ति एवं करोड़ों भक्त हैं जो मेरे सिर पर बैठने योग्य हैं, वे सभी आपकी लीला में सहायक हैं। हे प्रभु यदि मुझ जैसा कोई भी तुच्छ कीट मर भी जाए तो कौन सी हानि है, यदि एक चींटी मरती है तो भौतिक जगत की कौन सी हानि हो जाती है। तो कह रहे मैं तो चींटी समान हूँ, अत्यंत इतने महान महान भक्त हैं, एक चला भी क्या तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतनी चींटी पैदा होती है मरती है संसार में कुछ फर्क पड़ जाता है बताओ। हम रो रहे होते हैं, लोग जिया नीला प्रेम धन गा रहे हैं, है ना, लोग आके अखबार में समाचार छप रहे देखो चींटी मर गई, ऐसा कौन पूछता है कि नहीं। कोई बड़ा ऐसे इतने अनेक लोग भी मरते रहते हैं कौन पूछता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। जैसे अभी वो क्या नाम है उस व्यक्ति का जिसका अभी बिजनेस था ना चार पांच दिन पहले कार एक्सीडेंट में जो मिस्त्री, हाँ तो सब लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं कॉन्डोलेंसेज ये वो, दो चार दिन बाद सब भूल जाएंगे उसमें क्या है कि नहीं है। हाँ बस एक मैसेज भी शायद खुद नहीं टाइप करते होंगे, सेक्रेटरी टाइप करता होगा बस पब्लिक दिखाने के लिए, है ना। लेकिन किस संसार में क्या फर्क पड़ता है, बड़े बड़े महारथी आए बड़े बड़े महारथी चले गए, लेकिन हाँ यदि पृथ्वी पे कोई महान भक्त का तिरुभाव होता है तो पृथ्वी को अवश्य एक हानि होती है, इसमें कोई सत्य नहीं है। तो हरिदास ठाकुर इस भाव को रख रहे हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति की क्या क्षमता है, मैं तो नगण्य हूँ तुच्छ हूँ, तो लेकिन फिर भी आप अपने सदैव अपने भक्त स्नेहिल रहते हैं, मैं तो कृत्रिम भक्त हूँ। भक्त वसल प्रभु तुम्हें मुई भक्ता भास, बोले मैं भक्त नहीं हूँ, सब भक्ताभास, भक्त का कपड़ा डाला हूँ तिलक लगाया हूँ, है ना, लेकिन अंदर से भक्त नहीं है। लेकिन भक्त कपड़े डाला है पोशाक डाला है वेशभूषा है, लेकिन भक्त का हृदय नहीं है, भक्त का भाव नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इच्छा पूरे करें, यही मेरी इच्छा आशा है। तो फिर महाप्रभु दोपहर हो गए थे तो चले गए, और तय हुआ कि अगले दिन वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद हरिदास ठाकुर को देखने के लिए आएंगे। और उनका आलिंगन किया महाप्रभु ने और दोपहर के अपने कर्म करने के लिए समुद्र स्नान हेतु चले गए। और अगले दिन प्रातःकाल जगन्नाथ मंदिर जाने के बाद दर्शन करने के बाद जगन्नाथ जी का महाप्रभु सारे भक्तों को एकत्रित करके हरिदास ठाकुर को देखने के लिए आए, और बड़े उत्साहित होकर के आए, तेजी से आए। हरिदास देखिते आइला शीघ्र करिया, बहुत उत्साहित होकर के। और हरिदास ठाकुर के आगे आके जो है उन्होंने महाप्रभु ने और सारे भक्तों को हरिदास ठाकुर के सामने आए, उनको दर्शन दिया, और हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में नमस्कार किया। प्रभु कहे हरिदास कह समाचार, हरिदास कहे प्रभु ये कृपा तुम्हारा। तो हरिदास ठाकुर से पूछा महाप्रभु ने क्या समाचार है, हरिदास ठाकुर ने कहा हे प्रभु आप जो भी कृपा करें। और फिर अंगने आरंभिला प्रभु महासंकीर्तन वक्रेश्वर पंडित तहां करे नर्तन, और फिर वहां महासंकीर्तन चालू किया महाप्रभु ने और वक्रेश्वर पंडित नृत्य करने लगे, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों ने हरिदास ठाकुर को घेर लिया और दिव्य संकीर्तन करने लगे। राय रामानंद भट्टाचार्य सार्वभौम जैसे महान भक्तों के समक्ष चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पवित्र गुणों का वर्णन करने लगे। अब महाप्रभु स्वयं वर्णन करें हरिदास ठाकुर का, और ऐसे कर रहे हैं जैसे कि उनके पांच मुख हो गए, है ना, पांच मुखों से, है ना। और जितना वर्णन करते रहे महाप्रभु का सुख बढ़ता गया। हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों को सुनकर वहां उपस्थित सारे भक्त आश्चर्यचकित हो गए। तो ऐसा गुणगान चैतन्य महाप्रभु का पहले भी आया हुआ है, जहां महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर ने गुणगान किया तो कविराज गोस्वामी रिपीट नहीं कर रहे हरिदास ठाकुर के उन गुणों को, लेकिन महाप्रभु गुणगान करने लगे ऐसे कि मानो उनके पांच मुख हों। मतलब मुख तो एक ही है, लेकिन इतने उत्साह के साथ में महाप्रभु हरिदास ठाकुर गुणगान कर रहे थे, और सारे भक्त आश्चर्यचकित हो गए और हरिदास ठाकुर चरण कमलों की वंदना करने लगे। हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को अपने समक्ष बैठाया, और फिर महाप्रभु के मुखमंडल पे एकटक होकर के बिल्कुल जो है उनके चेहरे को देखने लगे। हरिदास निजाग्रते प्रभु रे वसाइला, निज नेत्र दुई भृंग मुख पद में दिला। अपने जो देना नेत्र थे वो महाप्रभु बिल्कुल उन्होंने
फोकस कर दिया। स्वहृदय आनि धरिल प्रभुर चरण सर्व भक्त पद रेणु मस्तक भूषण। और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय पे धारण किया और समस्त भक्तों के चरणों की धूली लेकर अपने सिर पे लगाया। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बलेन बार बार प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्र जलधार। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करिते उच्चारण नामेर सहित प्राण कैल उत्क्रामण। और चैतन्य महाप्रभु के पवित्र नाम का बारंबार उच्चारण किया। जब उन्होंने महाप्रभु के मुख की मधुरता का पान किया तो उनके नेत्रों से लगातार अश्रु बहने लगे और महाप्रभु के दिव्य सुंदर रूप को देखते हुए श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे बोल रहे थे तो क्या हो रहा था, उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। और ऐसे बोलते बोलते उन्होंने क्या कर दिया, प्राण त्याग दिए और शरीर छोड़ दिया। और उनके इस प्रकार के देह त्याग को देख करके सबको किसकी याद आई, भीष्म देव की, हर व्यक्ति को, क्योंकि महान योगी स्वयं श्री कृष्ण सब पांडव और इस पूरे जगत के ब्रह्मांड के समस्त सम्माननीय साधु महात्मा वहां पर एकत्रित थे। तो उनके सामने विशेष भगवान के सामने भीष्म देव ने जो है देह त्याग किया था। महायोगेश्वर प्राय देखी स्वच्छंदे मरण भीष्मेर निर्याण सवार हुई लस्मरण। और जब उन्होंने ऐसे शरीर को त्यागा तो हरि हरि कृष्ण कृष्ण हरि कृष्ण शब्द सबे करे कोलाहल प्रेमानंदे महाप्रभु विह्वल। तो हरि और कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन किया, जोर से करने लगे तो पूरा कोलाहल उठ गया और चैतन्य महाप्रभु प्रेमानंद से विह्वल हो उठे। हरि दासेर तनु प्रभे प्रभु कोले लैल उठाइया अंगने नाचे न प्रभु प्रेमाविष्ट हैया। और महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और अत्यंत प्रेमावेश में आकर आंगन नृत्य करने लगे। तो हरिदास ठाकुर देह को उठा करके आंगन में ला करके नृत्य करने लगे और महाप्रभु के प्रेमावेश के कारण सारे भक्त को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है ना, अभी देह त्याग हो गया तो क्या करना है। और प्रेमावेश में नृत्य और सामूहिक कीर्तन करने लगे और महाप्रभु कुछ नृत्य करते रहे। अब किसी को लग सकता है बाह्य रूप से, अरे किसी की मृत्यु हुई है और अब मतलब बाह्य रूप से डेड बॉडी को उठाकर डांस कर रहे हो, ये क्या तरीका है, ये कोई तरीका है ऐसे सोचो, है ना। अगर मान ली किसी का देह त्याग और भक्त बड़ा डांस कर रहे हो तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा ना ऐसे, ये क्या हो रहा है ना। लेकिन ये एक महोत्सव है कि नहीं, विजय उत्सव है। और विशेषकर किसी का ऐसा देह त्याग, ये दिव्य देह त्याग है जब स्वयं भगवान उनके सामने खड़े हो, भक्त लोग हो, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो ये तो वास्तविक सेलिब्रेशन है, वास्तविक इसलिए विजय उत्सव है कि कैसे वन शुड डाई लीव द बॉडी, यू नो। तो प्रभुपाद जी का तिरुभाव जब दिवस होता है तो आप देखते हैं कि यही दो महानुभावों को याद आता है, भीष्म देव और हरिदास ठाकुर, है कि नहीं, कि किस प्रकार वृंदावन में धाम में कार्तिक मास में और प्रभुपाद जो है अंतिम समय तक भागवतम का ट्रांसलेट करते करते उन्होंने देह त्याग किया, है कि नहीं। और तभी आप देखते हैं प्रभुपाद जी का जब लास्ट फाइनल लेसन वीडियो देखेंगे तो प्रभुपाद जी को पाल के बैठा के सब सप्त गोस्वामी के मंदिर लेके जाना है ना, तो और फिर उसका फीस्ट होता है। तो अब नॉर्मल लगेगा भाई ऐसे तो घर में उपवास रखेंगे, है कि नहीं, लेकिन जब किसी महान वैष्णव का तिरुभाव होता है तो वो बहुत ही दिव्य उत्सव है। हरिदास ठाकुर तब तो फिर स्वरूप दामोदर महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, पूरे प्रेमानंद में आवेशित थे, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी आए और उन्हें बोला कि अभी बॉडी के साथ हमें और जो फॉर्मेलिटीज हैं मतलब संस्कार हैं वो करने हैं, तो सूचित किया उनको। तो हरिदास ठाकुर शरीर को एक वाहन पर चढ़ाया गया और वो विमान जैसा था और सामूहिक कीर्तन के साथ उसे समुद्र ले जाया गया, है ना। तो बड़ा अच्छा सुंदर सजाया गया था ऐसे पालकी में उनके शरीर को, जैसे अभी अगर आपने देखा हो भक्ति नित्यानंद महाराज ने देह त्याग किया था तो मायापुर में अगर देखा हो तो किस प्रकार से उनको बैठा करके देह त्याग, है ना, मतलब पंचतत्व और राधा माधव के दर्शन कराया, परिक्रमा सब कराया। तो ये तरीका है मतलब एक वैष्णव को के जाने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु उसके आगे आगे नृत्य कर रहे थे और वक्रेश्वर पंडित अन्य भक्तों के साथ उनके पीछे पीछे कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। हरिदास समुद्र जले स्नान कराइला प्रभु कहे समुद्र ऐ महातीर्थ हैला। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को समुद्र में स्नान करा, घोषित किया आज से यह समुद्र महान तीर्थ स्थल बन गया है। अब आप सोचिए रोज महाप्रभु स्नान करते थे उसके अंदर, प्रत्येक दिन महाप्रभु समुद्र स्नान करते थे, लेकिन आज तक नहीं बोला भाई देखो मैं स्नान करा था ये महातीर्थ है। लेकिन हरिदास ठाकुर के मृत शरीर को उसमें स्नान कराया तो क्या बोल रहे हैं, आज से ये क्या हो गया है, महातीर्थ हो गया है।
ऐसे समुद्र देखा जाए एक दृष्टिकोण से महान तीर्थ है ही है, क्योंकि सारी नदियां उसमें प्रवेश करती है, गंगा यमुना सब उसमें प्रवेश करती है। तो वैसे ही अगर यमुना सब नदियां तीर्थ है तो महातीर्थ वैसे ही हो गया। फिर महाप्रभु ने स्वयं उसमें स्नान किया और हरिदास ठाकुर को प्रयाण किया। अब क्या है, एक स्मार्त ब्राह्मणों का एक कंसेप्शन रहता है, जल्दी समुद्र में वो स्नान नहीं करते, क्योंकि एक पुरानी कथा के अनुसार अगस्त्य मुनि ने ना सारे समुद्र को पी लिया था। तो अब समुद्र पी लिया तो बड़ा अजीबोगरीब परिस्थिति हो जाएगी, तो सब बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो उनको प्रार्थना किया तो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने मूत्र के रूप में समुद्र को त्याग कर दिया, है ना। तो इसीलिए समुद्र में कई लोग स्नान नहीं करते, बोले अपवित्र है ये, ऐसा माना जाता है। ऐसा मतलब बहुत ज्यादा इसको कोट मत कीजिएगा, थोड़ी ऑकवर्ड सी कथा है। तो लेकिन एक मतलब वैष्णव कंसेप्शन में ऐसा नहीं है, लेकिन जो स्मार्ट कंसेप्शन रहता है तो ऐसे जो ब्राह्मण रहते वो समुद्र में स्नान, इन्हें ऐसा स्नान नहीं करते, है ना। तो लेकिन उसको ये भ्रांत धारणा को ऐसे हटा दें, महापुरुष स्वयं स्नान करते थे, हम तो इसलिए स्नान करते हैं और सारी नदियां से प्रवेश करती है, लेकिन एक आपको कंसेप्शन बता रहे खाली कि ऐसा है। तो आज से समुद्र महान तीर्थस्थल बन गया है, तो हर एक ने उस जल को पिया, है ना। एक्चुअली इसीलिए वो ये भी कहते हैं कि इसीलिए वो सॉल्टी वाटर भी है। और इसीलिए मतलब अगर आप दो पीढ़ी हमारे ऊपर जाएंगे ना, तो समुद्र के नमक को कोई इस्तेमाल नहीं करता था। आज तो नमक हो टाटा का, टाटा नमक, आयोडाइज नमक, ये सब वगैरह। नमक का मतलब ही हमेशा होता था जो वो रॉक सॉल्ट होता था, जो चट्टान से निकाला जाता था। समुद्र के नमक का कोई इस्तेमाल नहीं करता था ऐसे। आज तो समुद्र एक्सट्रैक्ट करते हैं, पूरा कमर्शियल बिजनेस बना दिया है। लेकिन इस कारण से कम सनातन धर्म के अधिकांश लोग समुद्र के नमक को इस्तेमाल नहीं करते थे, बोले ना मतलब ऐसा। तो ये मतलब उसके पीछे ही लगता। तभी एकादशी में बहुत कॉन्सेप्ट है ना, नमक लें नहीं लें, तो पहले नमक खाते थे, लेकिन नमक का मतलब ये एक होता था सेंधा नमक, मतलब रॉक सॉल्ट, जो चट्टान होती थी, ऐसा है। तो अगर हमारे माता पिता लोगों की पीढ़ी में उससे पहले तो निश्चित, जो हमारे दादा दादी की पीढ़ी थी उसमें तो सब जान, नमक का मतलब ये कौन सा नमक है, मतलब ये क्या नमक है, कोई नमक है ये, ऐसा उनको बोलेंगे तो बोलेंगे ये कोई इस्तेमाल नहीं करता, अछूता है तो छोड़ दो इसको, ऐसा इससे बोलते थे सब कई जगहों पर। तो एनी वाह, सबने जल को पिया और फिर जगन्नाथ जी के चंदन प्रसाद का हरिदास ठाकुर के शरीर पर लेप किया और फिर एक गड्ढा खोदा बड़ा सा और उसमें हरिदास ठाकुर के शरीर को रख दिया और जगन्नाथ जी का प्रसाद यानी उनकी रेशमी रस्सियां, चंदन लेप, उनका महाप्रसाद वस्त्र, उनके शरीर के ऊपर सब जितने दिव्य दिव्य वस्तुएं रखा गया, फूलमाला इत्यादि। और भक्तों ने शरीर के चारों ओर सामूहिक कीर्तन किया और वक्रेश्वर पंडित ने आनंदित होकर नृत्य किया और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य हाथों से हरिदास ठाकुर के शरीर को हरि बोल कीर्तन करते हुए बालू से ढक दिया। हरि बोल भले गौर राया आपने श्री हस्ते हस्ते बालू दिला तार गाया, और उन्होंने बालू से ढक दिया। तब मेरा व्यक्तिगत अनुभव था, जब हमने भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज को समाधि दिया था, तो ये सब चीजें जो है वृंदावन धाम के अंदर बड़ा गड्ढा खोदा था और जितने ये सेरेमनीज हैं जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता था हमने सेलिब्रेट किया था। तो यू नो जितने भी और फिर उनको समाधि दिया गया, उनका दंड वृंदावन में भगवान की माला और अन्य अन्य पवित्र वस्तुएं सब जो है हमने उधर डाला। तार बालो दिया ऊपर पिंडा बाधा इला चौधरी के पिंडेर महा आवरण कैला। और फिर हाँ, महापुरुष स्वयं बालू से ढक दिया और भक्तों ने हरिदास ठाकुर के शरीर को बालू से ढककर उसी स्थान पर एक चबूतरा बना दिया और इस चबूतरे को चारों ओर से चार दीवारी द्वारा सुरक्षित कर दिया। तो मतलब एक ताकि कोई पैर ना चढ़ाए उस पर, और सुरक्षित इसलिए कर दिया ताकि मतलब कोई जानवर वानवर ना आए वहां पर, ऐसा। और फिर एक तुलसी का पौधा भी ऐसा बोला जाता है कि वहां शायद लगाया गया था, तो यहाँ लिखा नहीं है एनीवे। तो और फिर महाप्रभु ने चबूतरे के चारों नृत्य कीर्तन किया और जब हरिनाम का कोलाहल हुआ तो सारा ब्रह्मांड उस शब्द से भर गया। संकीर्तन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ समुद्र में तैर कर तथा हर्षित होकर जल क्रीड़ा करके स्नान किया। हरिदास प्रदक्षिणा करी आयला सिम्म द्वारे हरि कीर्तन कोलाहल सकल नगरे। और फिर समाधि की प्रदक्षिणा की चैतन्य महाप्रभु ने और जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर आ गए। तो ये समुद्र के पास में उनका समाधि है, आज भी आप जाएंगे तो समुद्र तट पे आपको जहाँ इस्कॉन का भक्ति कुटी है उसके बिल्कुल नेक्स्ट ही और छोटा गोपीनाथ मंदिर से पास में ही है। तो सारे नगर ने संकीर्तन में भाग लिया और कोलाहल से सारा नगर गुंजायमान हो उठा। और सिंह द्वार पर पहुंच के चैतन्य महाप्रभु दुकानदारों से अपना वस्त्र फैला करके प्रसाद मांगने लगे और क्या कह रहे हैं,
हरिदास ठाकुरेर महोत्सव रतरे प्रसाद मागिये भिक्षा देहते आमारे। मैं हरिदास ठाकुर के देह अवसान के सम्मानार्थ उत्सव के लिए प्रसाद मांग रहा हूँ, कृपया मुझे भिक्षा दें। स्वयं महाप्रभु भिक्षा मांग रहे थे, तो सारे दुकानदार तो बड़ी बड़ी टोकरियों प्रसाद लेकर के आ गए। महाप्रभु भिक्षा मांग रहे, हरिदास ठाकुर का देह त्याग के समय, तो सब प्रसाद लेकर के आ गए, है कि नहीं। जैसे मान लो अभी आपने यहाँ सुदामा सेवा लिखा हुआ है, और स्वयं अगर मान लो रुक्मिणी द्वारकाधीश या गौरनिता आके भिक्षा मांगे, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप बताओ, है ना। तो आप अपने घर जाना, अपना चेकबुक सब ब्लैंक चेक साइन करके भगवान को दे दीजिएगा, ज्वेलरी वेलरी सब, लॉकर की चाबी, है ना, उसका एटीएम का पिन कोड, जो भी प्रॉपर्टी का कागज सब दे दोगे, नहीं दोगे। भक्त सोच रहे अभी कि देंगे कि तो अरे हाँ, इसीलिए भगवान आते नहीं बोले फिर तो सारे दुकानदार जितना भाव सा लेकर आ गए, लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने सबको मना कर दिया। क्या प्रैक्टिकल मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, तो महाप्रभु तो ट्रांसजेंडर है तो ठीक है, लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको मैनेज कर रहे हैं। ऐसा होता है ना बहुत बार, अपने सब भक्त ट्रांसजेंडर हो जाते हैं तो व्यवस्था सब बिगड़ जाती है ना। तो उन्होंने सबको भेज दिया उनको वापस, बोले जाओ अपनी दुकान पर बैठो। और फिर महाप्रभु को ही बोला, हम मैनेज करते हैं, आप जाइए, क्योंकि आप रहेंगे ना तो इधर कैओस मच जाएगा, है ना। कभी कभी ऐसे होता है ना, बड़े बड़े सन्यासी महापुर लोग महाराज लोग आते हैं, तो क्या होता है, सब लोग एकदम उनके पास जब तक रहेंगे ना, तो कोई सिक्योरिटी वाला परेशान, मंदिर के भक्त परेशान, कुछ हो नहीं सकता इधर। तो बोले आप थोड़ा प्रसाद ले लीजिए, कुछ कर लीजिए, निकलो, लेकिन यहाँ से ताकि हम मैनेज कर सके, ऐसा है ना। तो अभी राधाष्टमी के दिन हमारे नरसिंह कौच पे आए थे, तो क्या हुआ, इतना रश, अभी पंजाबी भाई तो एकदम छोटा सा मंदिर है, कुछ नहीं, इतना रश, तू तो चलने की जगह ही नहीं। और नरसिंह कौच पे आए, तो अभी आएंगे थोड़ी देर में यहाँ पे, तो अभी उनके बारे में वैसे मतलब कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन कह रहे आप लोग मैनेज कैसे करते हो। मैंने कहा यहाँ कौन मैनेज करता है, हो ही नहीं सकता मैनेज, भगवान अपना फेस्टिवल है, खुद ही मैनेज करते हैं। तो कह रहे नहीं, फिर भी मतलब प्रभु जी आ गए अभी, नरसिंह प्रभु की जय। तो प्रभु जी कह रहे कैसे मैनेज करते हो आप, हमें बोले इधर कुछ मैनेज नहीं होता, अपने आप ही सब भगवान ही मैनेज करता है। तो मैंने उनको बोला प्रभु जी को, मैंने कहा जैसे इंद्रजीत स्वामी महाराज आए थे, तो 20 कदम का रास्ता होगा टेंपल हॉल से गेट तक, और वो पार करने में महाराज को कम से कम 20 से 30 मिनट लग गए। ओहो, कोई कह रहा आशीर्वाद दो, कोई दक्षिणा दे रहा है, कोई फूल माला, कोई ये, हर कदम कदम पे फाइनली एक ह्यूमन चेन बनाया, तो लिटरली उनको बाहर निकाला, नहीं तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने भी यही किया, और सारे दुकानदारों से कहा मुझे हर टोकरी में चार चार अंजुली प्रसाद दे दो। और कई तरह के प्रसाद एकत्र कर लिए, विभिन्न पोटलियों बांधा गया, चार नौकरों के सिरों पर रखा कर ले जाया गया। इस तरह न केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रसाद लाए, अभी तो वाणीनाथ पटनायक तथा काशी मिश्र ने प्रचुर मात्रा में प्रसाद भेजा। तो क्या हुआ, अब महाप्रभु सारे भक्तों को पंक्तियों में बैठाया और फिर सर्विंग करने लगे, खुद प्रसाद सर्व करने लगे महाप्रभु। और महाप्रभु को प्रसाद सर्व करने का एक बुरा मतलब एक हैबिट था, बुरा या अच्छा जो भी कहिए, वो थोड़ी मात्रा में प्रसाद सर्व ही नहीं कर सकते थे, तो इतना सर्व करते कि हर आदमी के लिए 5 गुना होता था वो, है ना। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु का अनुरोध किया कि आप बैठ जाएं और देखें, आप विटनेस करो, आप खुद मत करो, है ना, और मेरे साथ बहुत लोग हैं सर्विंग करने वाले, आप उनको मैं प्रसाद वितरण करेंगे। कौन थे वो लोग, स्वरूप जगदानंद का शिश्वर शंकर चारि जन परिवेशन करे निरंतर। तो ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जगदानंद पंडित, काशीश्वर पंडित और शंकर शंकर पंडित, ये चार लोग जो है प्रसाद कंटिन्यूअसली वितरण कर रहे थे, यू नो, एक बार डाला कंटिन्यूअसली। लेकिन अब महाप्रभु तो ये प्रसाद शुरू नहीं किया, तो कोई भक्त खा ही नहीं रहा, सब वेट कर रहे हैं महाप्रभु का। तो काशी मिश्र स्वयं गए, और उस दिन क्या था कि उस दिन का शेड्यूल फिक्स था कि महाप्रभु काशी मिश्र के घर में जाएंगे भोजन के लिए, तो उन्होंने जितना भी बनाया था सब भेज दिया यहाँ पर, और फिर महाप्रभु को बैठाया और खिलाया, और साथ में परमानंद पुरी या ब्रह्मानंद भारती बैठे और प्रसाद ग्रहण करने शुरू करने लगे। सारे जब महाप्रभु ने शुरू किया तो सारे वैष्णव भी खाने लगे, और सबने जी भरकर भोजन किया। और चैतन्य महाप्रभु परोसने वालों से क्या कह रहे थे, और दो देह देह पली प्रभु भले न वचन, और बांटो और बांटो, भोजन करे या सब कैला आचमन, सबारे पर आईला प्रभु माल्य चंदन। सारे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण करना बंद कर दिया, और जब मतलब प्रसाद पूरा कर लिया तो अपने हाथ मुंह धो सके, तो चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को फूल माला पहनाई, चंदन लगाया, और प्रेमावेश से अभिभूत होकर चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को आशीर्वाद दिया। और क्या आशीर्वाद दिया वो आप सब सुनिएगा ध्यान पूर्वक, सबने बड़े संतोष से सुना इस आशीर्वाद को।
हरिदासेर विजयोत्सव जे कैला दर्शन जे इहा नृत्य कैला ये कैला कीर्तन ये तारे बालू कदित करिल गमन तार मध्य महोत्सव ये कैला भोजन अचिरे हई बेतास बार कृष्ण प्राप्ति हरिदास दर्शन है ऐच्छा शक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, जिस किसी ने हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव को देखा है, जिस किसी ने यहाँ कीर्तन और नृत्य किया है, जिस किसी ने हरिदास ठाकुर के शरीर पर बालू डाली है या जिस किसी ने प्रसाद ग्रहण किया है, उसे शीघ्र ही कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। हरिदास ठाकुर के दर्शन में ऐसी अद्भुत शक्ति है। श्री हरिदास ठाकुर विजय उत्सव की और क्या कहने महाप्रभु, कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छिला संग स्वतंत्र कृष्ण र इच्छा कैला संग भंग। कृष्ण ने मुझ पर कृपा करके हरिदास ठाकुर की संगति प्रदान की, स्वतंत्र इच्छा होने के कारण कृष्ण ने अब वह संगति छुड़ा दी है। तो जब हरिदास ठाकुर ने यह भौतिक शरीर छोड़ना चाहा तो उन्हें रोक पाना मेरी शक्ति के बाहर था, महाप्रभु कह रहे हैं। हरिदास ठाकुर केवल अपनी इच्छा से अपना प्राण छोड़कर उसी तरह चले गए जिस तरह पूर्व काल में भीष्म ने अपनी इच्छा से देह त्याग किया था, जैसा कि हमने शास्त्र में सुना है। हरिदास अचिला पृथ्वी शिरोमणि तहां बिना रत्न शून्य हईल मेदिनी। हरिदास ठाकुर इस पृथ्वी के मुकुट मणि थे, उनके बिना अब यह जगत उस मूल्यवान रत्न से शून्य हो गया है। तो अब आप ये दो मेरे पीछे प्यार या सिंपल गाइएगा, जय जय हरिदास, जय जय हरिदास, जय जय हरिदास, जय जय हरिदास, जय जय हरिदास। जय जय हरिदास बलि कर हरि ध्वनि, एत बलि नाहा प्रभु नाचे न आपनी। और महाप्रभु ने सबसे कहा, हरिदास ठाकुर की जय बोलो और पवित्र हरि नाम का कीर्तन करो। यह कहकर वे स्वयं नृत्य करने लगे। सबे गाय जय 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 हरिदास नामेर महिमा जय करिला प्रकाश। और सब लोग गाए थे जय जय हरिदास, जय जय हरिदास, हरिदास ठाकुर की जय हो, हरिदास ठाकुर की जय हो, जिन्होंने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की महिमा को प्रकाशित किया है। और तब महाप्रभु ने सारे भक्तों को विदा किया और स्वयं दुख और सुख के मिश्रित भावनाओं में डूबे विश्राम करने लगे। और इसके बाद में सब भक्तों के लिए एक विशेष सूचना है, कविराज गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं। एता कहिं लो हरिदासे र विजय जहां र श्रवणे कृष्ण दृढ़ भक्ति हय। इस तरह मैंने हरिदास ठाकुर के गौरवमय महाप्रयाण का वर्णन किया है, जो भी इस कथा को सुनता है वह निश्चय ही कृष्ण की भक्ति में अपने मन को दृढ़ करेगा। आपने जो लोगों ने सुना है और जो सोता है उसे क्या मिलेगा, तो एनीवे पता नहीं क्यों एक बात समझ नहीं आती, बोलने वाले के बारे में बहुत कम आशीर्वाद होते हैं, ज्यादातर आशीर्वाद सुनने वाले के लिए ही होते हैं। चैतन्य र भक्त वात्सल्य इहां ते ही जाने, भक्त वात्सल्य वांछा पूर्ण कैला न्यासी शिरोमणि। हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण की घटना से तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस यत्न के साथ उसको मनाया, उससे यह समझा जा सकता है कि महाप्रभु अपने भक्तों के प्रति कितने वत्सल हैं। यद्यपि वे सन्यासियों में सर्वोच्च हैं किंतु उन्होंने हरिदास ठाकुर की इच्छा पूर्ण की। हरिदास ठाकुर की अंतिम अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु संग देते रहे और उन्हें अपना स्पर्श करने की अनुमति देते रहे। तत्पश्चात हरिदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोद में लेकर महाप्रभु ने नर्तन किया। अपने अहेतु की कृपा से महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को बालू से स्वयं ढका और दुकानदार स्वयं भिक्षा मांगी। तत्पश्चात उन्होंने हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण का महोत्सव मनाया। महाभागवत हरिदास परम विद्वान ए सौभाग्य लागी आगे कोरिला प्रयाण। हरिदास ठाकुर न केवल सर्वोच्च भगवत भक्त थे, अभी तो वह एक महान परम विद्वान भी थे। यह तो उनका परम सौभाग्य था कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रयाण किया। चैतन्य चरित्र अमृतेर सिंधु कर्ण मन तृप्त करे जार एक बिंदु। चैतन्य महाप्रभु का जीवन और उनके गुण अमृत के समुद्र के तुल्य हैं, जिसकी एक बूंद मन तथा कर्णों को तृप्त कर सकती है। अतः भव सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा गुणों के विषय में श्रवण करना चाहिए। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की वंदना करते हुए
सदैव उनकी कृपा की कामना करते उनके चरण में चलकर मैं कृष्णदास चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। जय श्री हरिदास ठाकुर विजय उत्सव की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज के दिन हम हरिदास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे भी नाम में रुचि हो, दृढ़ता हो और गंभीरता से हम भगवान के नाम के जप की शरण कर सकें, दृढ़ता पूर्वक विशेषकर, है ना। इस नाम जप के माध्यम के प्रोसेस को सरलता से चीपली नहीं लेना चाहिए, बड़ा सरल है ये तो, या क्या जरूरत है। भक्ति में जितना हम उन्नति करने, जितनी प्रगति करने का प्रयास करें, उतना अधिक हमें भगवान के नाम के जप को गंभीरता से लेना चाहिए। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। कॉमेंट सुन, Hare Krishna Guruji, so we will thank Sri Guru Krishnaji for such a wonderful, inspiring class. अपुन बहुत गहरे साथ, अपुन अच्छे से पिक्चराइज किया हमने इस सीन को और बहुत अच्छे तरीके से जितना जगदा ने से करवाए, we are really thankful to Sri Guru Krishnaji, we thank Guruji for joining. Hare Krishna.